छतरपुर स्थित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी भी मरीजों के लिए मददगार साबित हो रहा है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल के साथ साथ आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्ट्रेस काउंसिलर ऑक्सीजन बेड पर मरीजों का खास ख्याल रख रहे हैं। 500 ऑक्सीजन के बेड वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में मरीजों की देखभाल के लिए आईटीबीपी द्वारा 300 से अधिक स्ट्रेस काउंसिलर तैनात। ये स्ट्रेस काउंसिलर आईटीबीपी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत मिश्रा की देखरेख में विभिन्न पालियों में 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये दिन में कई बार मरीजों से मिलते हैं, उनकी जरूरतों के बारे में पूछते हैं, साथ ही उनके परिजनों का मार्गदर्शन भी करते हैं। इससे वहां भर्ती मरीजों में डर और बेचैनी की भावना कम होने में बहुत मदद मिल रही है। पिछले साल भी इस कोविड केयर सेंटर में स्ट्रेस काउंसिलर को तैनात किया गया था, जिसमें आईटीबीपी के स्ट्रेस काउंसिलर ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसे देखते हुए इस बार भी स्ट्रेस काउंसिलर की तैनाती का निर्णय लिया गया। यहां रोगियों को योग और ध्यान का अभ्यास देने से लेकर ये स्ट्रेस काउंसिलर जरूरत पड़ने पर रोगियों को भोजन और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। साथ ही स्ट्रेस काउंसिलर पूरी सावधानी के साथ पीपीटी किट पहनकर कार्य करते हैं। इस पीपीटी किट पर स्ट्रेस काउंसिलर आईटीबीपी लिखा होता है, ताकि मरीज उन्हें आसानी से पहचान सके और उनसे मदद ले सके। आपको बता दें कि आईटीबीपी स्ट्रेस काउंसिलर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर में प्रशिक्षित है। आईटीबीपी देश का एकमात्र ऐसा बल है जो कर्मियों के बीच अपने बल में तनाव सलाहकारों की सीधी भर्ती करता है। आईटीबीपी के इस पहल से कोरोना मरीजों में बहुत फायदा देखने को मिला है। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।